मैं अभी हमारे अरुणाचल के एक दूर दराज में मैं घूम रहा हूँ कल मुझे डीसी तवांग से एक मेरा एक चर्चा हुआ जहाँ हमने सुना था कि कुछ घुसपैठी हुई थी भारत के जवानों को उन आक्रम रूप से बहुत सारा जवानों को घायल किया जो जो डोकलाम वाला इशू है या जो लेह में जो हुआ है वैसा रवैया शुरू कर दिया फिर यहाँ हमारा बहुत शांतिपूर्वक एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश में चाहे वो में कवितों में हो या चागलाम में हो वागेलिंग में हो या इवन भूमला में ताओ ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था आ, हम कोशिश करते कि हम शांति बना रखें यहाँ इन इलाकों में कल हम जो सुना है नौ तारीख का शादी घटना गट, गटन, हुई थी लेकिन दो जो जितने भी फौज है चीन के पीएलए हो या हमारे भारत के जो अफसरान वो जाके उनका बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुआ और उसमें दोनों ने शांति बना रखने के लिए कहा लेकिन ये दुखित बात है कि जैसे सुंगरुंग वैली में भी पहले भी ऐसा ही हुआ था कि चीन के लोग वहाँ आते हैं और जो ठंड का समय होता है क्योंकि ये बर्फीला एरिया है पूरा ठंड हो जाता है तो उस समय जब ये आते हैं तो वो पूरा उसको कब्जा कर लेते हैं तो हमको जो हमारा ब्रोकपास है या हमारे वहाँ के जो याक को पालने वाले वो आके आर्मी को खबर देती है और इस बार हम हमारा आर्मी में जब वहाँ गया तो देखा कि हमारे इलाकों में वो लोग घुसपैठी कर चुके थे तो ये छोटा सा एक आ, ये उनका जो व्यवहार है चीन का व्यवहार है ये हर हर बार ऐसा ही होता है घुसपेटी करते हैं चाहे चागलाहम में हो किबित में हो गेलिंग एरिया में हो तो इस जो घटनाएं हैं इसको रोकने के लिए जो हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या चाहे हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री हो क्योंकि हमारा यहाँ तो जितने भी यहाँ के आ, हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो बहुत ही आ, इसमें आ, उनका जो अपना वक्तव्य है वो कहते हैं कि ये चीन जो है वो आ, हमारा अरुणाचल प्रदेश पे दबदबा बनाती है लेकिन हम कभी चीन के साथ उनका बॉर्डर हमारा साथ नहीं था हमारा जो रिश्ता था वो टिबेट के साथ था तो चीन का अभी का जो रवैया है कि अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना कहते हैं कि अरुणाचल इज़ पार्ट ऑफ साउथ टिबट इसको हम पूरा खंडन करते और हम इनके खिलाफ है हमारे यहाँ के लोग बहुत ही देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि इसको शांति बना रखने के लिए हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो हम चाहेंगे कि इसमें उनका वो एक अच्छा एक भेंट वार्ता हो एक अच्छा सा समझौता हो कि अरुणाचल को जो उनका जो क्लेम है दबदबा है इसको कभी उनको इसको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को चोट पहुँचाती है और जो अभी का जो घटना हुआ है तो ऐसा घटना है तो चीन चाहती है कि वो करें ताकि वो यहाँ घुसपैठी करें और यहाँ का हमारा अरुणाचल के ज़मीन को कब्जा करें लेकिन हमारे यहाँ के लोग पूरा डट के खड़े हैं सीमावर्ती इलाके में हम बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है इस पर वो नज़र रखें और शांति यहाँ बनाए रखने के लिए पूरा कोशिश करें